हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। जैसा कि नवरात्र चल रहा है और हम लोगों ने लहसुन प्याज को बंद कर रखा है, लेकिन फिर भी सब्जी तो खाना ही है, तो क्यों ना हम सोचे कि बिना लहसुन प्याज के जो सब्जी हम 9 दिन बनाने वाले हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर लें। तो फर्स्ट डे का मेरा सब्जी आप लोग देखे ही हैं, आलू वाली। और आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल। हमारे बनारस का बहुत ही ज़्यादा फेमस सब्जी है जो कचौड़ी के साथ हम लोगों को यहाँ खाने के लिए मिलता है हलवाई की दुकान में। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी रहता है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, बिना लहसुन प्याज के। बहुत सारी दुकान ऐसी है जो बिना लहसुन प्याज के सब्जी हम लोगों को सर्व करती है। तो बिना लहसुन प्याज के सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना है, कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल देंगे तेल, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, थोड़ा सा हम उसमें हींग डाल देंगे और जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, हम भूल गए थे कि हमें बरी भी फ्राई करना है, तो उसके बाद जीरा के बाद बरी डाल दिए। बरी तल के निकालने के बाद तेल बहुत अच्छे से गर्म है तो उसमें हमने डाल देना है 3 से 4 तेज़पत्ता, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ अदरक और मिर्ची। बिल्कुल भी हमें इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालना है, और आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी फ़िलहाल में रेड चिली पाउडर बंद कर रखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी और इसे तेल में बहुत अच्छे से हम भून लेंगे ताकि हल्दी का सारा कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्का, अगर आप येलो कलर वाला ये कद्दू लेंगे, आप लोग लौकी भी बोलते होंगे, कुछ लोग लौकी कुछ लोग कद्दू बोलते हैं, हम लोग इसको कद्दू बोलते हैं। तो ये थोड़ा येलो कलर का जो होता है पका हुआ, इसका सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप कद्दू ले लें और आलू, हमने कद्दू ले लिया है, उसे बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है, आलू को भी थोड़े से बड़े टुकड़े में काट लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ हलवाई बिल्कुल ऐसे ही सब्जी बनाते हैं। और इसे बहुत अच्छे से हम नमक डाल के चला लेंगे, थोड़ी देर इसे हम तेल में चला के अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम डाल देंगे बॉयल किया हुआ चना। आप चाहे तो काबली चना भी डाल सकते हैं, वो सफ़ेद वाला बड़ा वाला जो होता है छोले बनाने वाला, हमने इसमें काले वाले चने को बॉयल करके रख लिया था और इसमें मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि उसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। इसमें हमें डाल देना है पानी। तो आप जितने क्वांटिटी के हिसाब से सब्जी लेंगे उतना ही आपको इसमें करीब आधा गिलास पानी डाल देना है। तब तक हमें इसे पकाना है जब तक ये आलू और जो कोहणे का टुकड़ा है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता है, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। ढाक देंगे इसे हम, बहुत अच्छे से पकने देंगे। तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये सारा सब्जी वीडियो वगैरह कैसा लगता है। तो थोड़ी देर बाद हम इसे खोल देंगे, खोल के इसे चलाएँगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से कलर भी आ रहा है। और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे बरी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था, बरी डाल के इसे अच्छे से पानी में डुबो देंगे और सब्जी के साथ ये पक जाएगा। और इसका जो फ्लेवर होता है, क्योंकि ये मसालेदार वाला बरी है उड़द दाल का, तो इसका जो फ्लेवर होता है वो सब्जी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसके बाद हम इसे ढक के फिर थोड़ी देर पका लेंगे। तो इसे यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सब्जी जो है हमारा कुक्ड हो गया है। तो आलू हम दबा के देख लेते हैं कि अगर आलू पक जाए, आपको टमाटर डालना है, लेकिन अगर आलू पक जाता है तभी आप टमाटर डालिए। अगर आलू थोड़ा कच्चा रह जाता है ना, तो फिर अगर आप खटास यानी कि टमाटर या कोई भी खट्टा चीज़ डाल देंगे सब्ज़ी में, तो वो आलू को पकने में थोड़ा सा और टाइम लेता है। तो यहाँ आलू बहुत अच्छे से पक गया है, तो इसमें हमने 3 टमाटर बड़े बड़े टुकड़े में काट के डाल दिया है, क्योंकि हमें बिल्कुल हलवाई जैसा ही सब्जी चाहता था, हमारे बनारस वाले हलवाई, बाहर का हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ टमाटर डाल के भी हमने इसे बहुत अच्छे से ढक दिया है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे खोल के चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी को कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में वो टेस्ट आपको उतना अच्छा नहीं आएगा जो आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी को बनाएंगे। तो यहाँ खोल के हम उसे बहुत अच्छे से चला लिए हैं। इसे हमें इसमें थोड़ा सा खटास डालना है, थोड़ा सा मीठा डालेंगे। और अभी हम क्या करते हैं कि इसमें डाल देंगे गुड़, चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें गुड़ डालने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गुड़ अच्छा भी, तो गर्म का दिन आ गया है ना, तो वो भी क्या होता है ना, गुड़ अपने आप ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हाथ से इसको मिस देंगे, मिसने के बाद इसमें हम डाल देंगे गुड़ को, क्योंकि ये जो कद्दू की सब्ज़ी होती है इसमें थोड़ा मिठास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो सब्जी को बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट देता है। तो आप कद्दू की सब्जी किस तरह से बनाते हैं हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो गुड़ डालने के बाद भी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डाल देंगे एक मुट्ठी थोड़ा सा सोयाबीन। हमारे यहाँ सोयाबीन का यूज़ बहुत होता है, हमारे यहाँ घर पे नहीं, जैसे कि मार्केट में आप सब्जी खाने जाएंगे पूरी सब्जी वगैरह कचौड़ी, तो यहाँ बहुत अच्छे से हमारी यूपी साइड में मिलता है। तो यहाँ हम डाल दिए हैं बॉयल किया हुआ सोयाबीन, ताकि
ऐसे स्टेज में ये सोयाबीन बहुत अच्छे से पक भी जाएगा और इसके अंदर पूरा जूसी मसालेदार जूस जो खट्टा मीठा एक टेस्ट होता है सब्जी का वो भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा पानी का कमी था तो हमने यहाँ थोड़ा सा और पानी डाल दिया है और इसे हम एक बार लास्ट और ढाल देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ काफ़ी हद तक मेरा सब्जी पक के तैयार हो गया है और अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हम आलू को हल्का सा दबा देंगे। हल्का सा ग्रेवी के लिए थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ कद्दू भी बहुत अच्छे से पक गया है और आलू भी पक गया है, टमाटर भी गल गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, खट्टा डालना है। खट्टे में अगर आप आमचूर पाउडर डालते हैं, मेरे हिसाब से आमचूर पाउडर ज़्यादा बेस्ट होता है अगर आप नींबू के पर्पस है तो नींबू भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नींबू यूज़ कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि हमने तो टमाटर डाला है तो फिर खट्टा नहीं, टमाटर का अलग होता है खट्टापन और ये जो आमचूर पाउडर है उसका अलग। अभी लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे, उसे हाथ में अच्छे से घस देंगे ताकि वो बहुत ही अच्छे से अपना फ्लेवर पूरी सब्जी में छोड़ दे। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से चला लेंगे और यहाँ मेरा सब्जी बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। अब आप इस सब्जी को चाहे तो सादा दाल चावल के साथ खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूरी सब्जी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ, या आपकी अपनी मर्जी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे यूप स्टाइल सब्जी मेरा बनके कद्दू का तैयार है। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, इसमें हमने कोई मसाला नहीं डाला है। आप चाहें तो कोई मसाला ऐड कर सकते हैं लेकिन हमने बिना लहसुन प्याज और बिना मसाले की हलवाई वाली सब्जी बनाई है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड़, हींग, हरा धनिया। ये तीन चीज़ अगर आप डालेंगे और आमचूर पाउडर, ये तीन चार चीज़ों से ही आपका सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरा तो हलवाई वाला सब्जी बनके तैयार हो गया है नवरात्र के दिन बिना लहसुन प्याज के। तो ऐसे ही मेरे छोटे छोटे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और हैप्पी नवरात्र। आप भी बनाइए खाइए फैमिली के साथ, खुश रहिए। ओके बाय, गुड नाइट।